हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। यहाँ पर हम आपको देते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार से जुड़ी हर खबर। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आप सभी को बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सभी के साथ होने वाला है सबसे बड़ा हादसा, सभी पर होने वाला है अटैक, सभी की जान लेने की कोशिश करने वाला है मंदार और यशवंत मिलकर, क्योंकि भेज दिए हैं इन्होंने सभी के लिए गुंडे। अब ऐसे में यहाँ पर ईशान पहुंचेगा तो सही सभी को बचाने के लिए, ईशा को बचाने के लिए, क्योंकि उसके सामने तब तक सच्चाई आ चुकी होगी, पर नहीं बचा पाएगा वो, जिसके बाद वो मजबूर हो जाएगा सभी की मांग भरने के लिए। क्यों और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, चलिए आपको पूरी खबर हम हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप जरूर कर लें और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें। दोस्तों, सभी के ऊपर अटैक होगा और यहाँ पर ईशान को आकर विनायक बताने वाला है सारी बात, बताने वाला है कि सभी की जान खतरे में है। इधर ईशान भागकर आएगा सभी को बचाने के लिए, जब विनायक उसको बताएगा कि सभी और ईशा नहीं बच पाएंगे। जब यहाँ पर ईशान विनायक से बात कर सभी को बचाने के लिए, ईशा को बचाने के लिए पहुंचेगा, जहां पर बप्पा का मंडप सजा होगा, ढोल नगारे बज रहे होंगे, इसी दौरान यहां पर चल जाएगी सभी पर गोली। चाहकर भी नहीं बचा पाएगा ईशान सभी को। सभी पहले ईशा की जान बचाने की कोशिश कर रही होगी, पहले गोली ईशा पर चलनी थी लेकिन सभी आगे आ जाएगी और गोली अपने ऊपर ले लेगी, जिसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा। सभी को हॉस्पिटल लेकर जाएगा ईशान और यहाँ पर विनायक ऑलरेडी बता चुका होगा ईशान को कि किस तरीके से सभी ने अपने घर को छोड़ा, सब चीजों की कुर्बानी दी क्योंकि उसको अपना करियर बनाना था। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि किस तरीके से मंदार ने उसकी जान लेने की कोशिश की और वो लड़का जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो कितना गिरा हुआ था। अब यहाँ पर ईशान को पता लग जाएगा कि सभी के बारे में जो वो सोच रखता था वो बिल्कुल गलत थी और जो इल्जाम उसने सभी पर आज तक लगाए वो भी गलत थे। ऐसे में यहाँ पर ईशा मजबूर हो जाएगी और ये कहेगी कि अब सभी इस शहर में नहीं रह सकती, मैं और सभी यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहे तो हम पर फिर से अटैक होगा और फिर से हमारी जान लेने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में ईशान कहने वाला है कि अब सभी की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसने बहुत कुछ सह लिया, अब ये नहीं सहेगी क्योंकि अब ये सभी ईशान भोसले बनेगी। मैं मजबूरी में इससे शादी जरूर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जो कुछ भी इसने सहा है मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं इसको अब प्रोटेक्ट करूँ और मैं प्रोटेक्ट तभी कर पाऊंगा अगर मैं इसको अपनाऊंगा। ऐसे में हॉस्पिटल में ही ईशा के सामने भर देगा ईशान सभी की मांग। कहानी में आ जाएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। कितने एक्साइटेड हैं आप, कमेंट्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना।